लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, गौ संरक्षण पर योगी सरकार की खास नजर है। 44 गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास पर सीएम योगी का फोकस है। कुल 15 जिलों में 44 गौ संरक्षण केंद्रों का विकास होगा। बरेली, आगरा, मथुरा में बनेंगे गौ संरक्षण केंद्र। पशुपालन विभाग द्वारा इसकी तैयारी कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींच रही योगी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए सीएम योगी की मंशा के अनुरूप कई कोशिशें की जा रही हैं। अब इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में 44 गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास का रास्ता तैयार किया गया है। इस क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन विभाग को आदेश जारी किया गया है। 15 जिलों में गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हर एक गौ संरक्षण केंद्र को 12,000 रुपए की धनराशि व्यय से निर्मित और विकसित किया जाएगा। इस क्रम में बरेली के अनिरुद्धपुर और मऊचंदपुर, सिकोड़ा, अंबरपुर और करतौली समेत कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण और विकास किया जाएगा। इसी प्रकार उन्नाव में भी तौरा, टिकरा, सामद और छुलामऊ में गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण और विकास किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ सेवा के प्रति जो प्यार है वो किसी से छिपा नहीं है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में विकास आगे होता रहे, साथ ही गौ सेवा भी की जा सके और गायों को संरक्षण दिया जा सके, उसके लिए एक नया रोडमैप या एक नया एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार हो गया है। बिल्कुल रिया, देखिए गौ संरक्षण को लेकर और गौ के किस तरीके से उनको बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनकी जो हत्या हो रही है उसको रोका जाए और जो गौशालाएं हैं, जो गौ संरक्षण केंद्र हैं उनको कैसे और बेहतर किया जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार खुद पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि संकल्पित जो है वो नज़र आती है। और यही वजह है, अगर आप देखें जैसे ही 2017 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो उस समय तुरंत उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी बूचड़खानों पर रोक लगाई थी जहां पर इन जानवरों को, पशुओं को असंवैधानिक तौर पर, गैरकानूनी तौर पर जो इनको काटा जाता था तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था और पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चलाया गया। उसके बाद बूचड़ जो खाने थे उनको बंद किया गया था। अब कहीं ना कहीं उनको लेकर जो गाय हैं तो उनको लेकर लगातार योगी सरकार जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, चाहे उसको लेकर जो गौपालक हैं, जो लोग गौ को पालते हैं उनको चाहे वो धनराशि देना हो, भत्ता देना हो उसको लेकर हो, उनके खाने खर्चे का जो गायों का है वो देना हो, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित करती रहती है। गौ जो गौशालाएँ हैं उनको लेकर हो, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार गौशालाओं का निरीक्षण कर चुके हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। गोरखपुर वो जब जाते हैं तब वहाँ पर मंदिर में जो गौशाला है हमेशा हमने देखा, तस्वीरें आती हैं कि वो किस तरीके से गांव जो गायें हैं उनके पास जाते हैं, बच्चों से गाय के जो है वो खेलते हुए नज़र आते हैं और उनके चेहरे पर जो एक अलग मुस्कान है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। और ये कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकताओं में है कि गायों को जो है वो संरक्षण दिया जाए। और इसीलिए अगर आप देखें तो प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 5.28 लाख रुपये की कीमत से जो प्रदेश के अंदर 44 गौ संरक्षण केंद्र हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा, उनको और बेहतर किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो गायें हैं, जो रह रही गायें हैं या और जिन गायों को रखना है तो उनको बेहतर वहाँ पर सुविधाएं मिलें, उनको आरामदेह वहाँ पर सभी चीज़ें मिलें, उनके रहने का जो हो वो प्रतिबंध बेहतर तरीके से हो, क्योंकि मौसम भी अगर आप देखें तो बहुत गर्मी भी होती है तो ऐसे में टीन सेट पड़ा हुआ हो यानी कि छांव में उनको रहने को हो, खाने के लिए बेहतर उनको भूसा और अन्य जो चीज़ें उनको आवश्यक होती हैं वो उनको समय से मिल सके। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर एक बड़े शुरुआत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और उसी के बीच में अब ये गौ संरक्षण केंद्र का जो है वो कायाकल्प होने जा रहा है। प्रियम, कुछ दिन पहले ही एक खबर यूपी के किसी जिले से सामने आई थी, जिले का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन यूपी से ही आई थी, जहां कुछ गायों को एक गौशाला में जो है जेसीबी के माध्यम से दबाया जा रहा था क्योंकि वहां इतनी सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। जिसके बाद अब जिस तरह से आपने बताया, ये जो खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि गौ संरक्षण केंद्रों का कायाकल्प यहां पर होगा और इसके लिए धनराशि जो है वो स्वीकृत कराई जाएगी, क्या इन दोनों खबरों को जोड़कर देखा जा सकता है, उस खबर का आना उसके बाद एकदम ये निर्देश देना कि कई सारी जो गौशालाएं हैं, 44 गौशालाएं जो यूपी में चलाई जा रही हैं उनका गौ संरक्षण केंद्रों का कायाकल्प होगा, बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएंगी?
आर्या, देखिए 2017 के पहले अगर गौशालाओं की स्थिति को आप देखें और अगर आपने उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को देखा हो 2017 के पहले, तो काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो है वो कोई भी व्यवस्था जो थी वो नहीं दिखाई देती थी और काफी दयनीय स्थितियां जो है वो नजर आती थी। गाँव के लिए जो है गायों के लिए वहां पर भूसा नहीं होता था, खाने के लिए यानी जो चीजें होती हैं वो नहीं होती थी, या उनकी रहने के लिए जो और अन्य आवश्यक चीजें हैं जो, तो वो भी उनको वहां पर नहीं मुहैया हो पाती थी। लेकिन 2017 के बाद से आप देखिए तो बड़े पैमाने पर इसको लेकर काम किया गया है, चाहे वो चारे को लेकर हो गाय के, चूंकि उसको लेकर जो लोग गौ को पालते हैं उनको प्रोत्साहित भत्ते के तौर पर जो सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से मदद की जा रही है, इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं वो आप देखें तो लगातार बढ़ाई गई, गौशालाओं को बेहतर किया गया है, वहां पर स्टाफ की जो कमी थी उनको पूरा किया गया है और अन्य सुविधाएं देने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने में जो संख्या अगर आप देखें गौशालाओं में भी, तो गाय में काफी इजाफा हुआ है। और जो आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों जो एक तस्वीर आई थी उसकी खबर भी हमने चलाई थी, बाकायदा वो तस्वीर भी देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं लगातार सीएम योगी का गौशालाओं को लेकर, गायों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कार्य करने का जो मनोबल है वो देखने को लगातार मिलता रहता है। और वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस घटना के बाद भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से संज्ञान उसका लिया गया था और उसके बाद व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश जारी किए गए थे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये भी फैसला किया है कि प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जिलों में 44 गौशाला केंद्र बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उनका कायाकल्प किया जाए और उनमें जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनको और वहाँ पर बेहतर किया जाए। और उसको लेकर बाकायदा 5.28 लाख रुपए के जो धनराशि है उसकी भी स्वीकृति जो है वो सरकार की तरफ से दे दी गई है। आने वाले दिनों के अंदर जो ये 44 अलग अलग जिलों की गौशालाएं हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि बेहतर तरीके से जो है वो जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वहाँ पर गाँव के गायों के रहने के लिए, वो साफ तौर पर जो है वो देखने को मिलेगी। प्रियम, एक वक्त था 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश को माफियाओं के लिए और गुंडा राज के लिए जाना जाता था। 2017 के बाद की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टर समिट यूपी में होता है, उसके बाद अगर विकास की बात करें तो जैसे अयोध्या में काम हुआ और भी कई सारे क्षेत्र हैं यूपी में, साथ ही जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति आई, जो गुंडे हैं माफिया हैं उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई और एक तरह गौ संरक्षण केंद्र के लिए जिस तरह से गौ संरक्षण केंद्रों के लिए काम हुआ, अगर यूपी में विकास की गाथा की बात करें तो क्या यही वजह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी में कमान संभाली है और जिस तरह से योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, एक वक्त था हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल सुना था और अब हम देखते हैं जब भी कहीं प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी की तरफ से कोई जाता है तो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात जरूर होती है। आर्या, देखिए बिल्कुल 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को केवल एक सांसद के तौर पर जाना जाता था, हालांकि तब भी वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे क्योंकि उनके वक्तव्य इस तरीके के होते थे, हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर थे। लेकिन जब उन्होंने जब से मुख्यमंत्री के पद की कमान संभाली है उसके बाद से हमने तस्वीर देखा है, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदली है, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर बदली है और कहीं ना कहीं अब वो पूरी तरीके से आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं, चाहे हमने देखा बिहार में चुनाव प्रचार रहा हो, चाहे फिर वो कर्नाटक में रहा हो, पश्चिम बंगाल में रहा हो, यानी किसी भी राज्य में रहा हो, सब जगह पर उनकी डिमांड आती है और डिमांड की वजह यह है कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो कार्य किए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो विकास के मुद्दों को लेकर हो, या फिर धरातल पर जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी प्रदेश को उनको लेकर हो, इन्वेस्टर समिट को लेकर हो, विदेश से निवेश लाना हो, देश के अलग अलग बड़े बड़े उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाना हो और उस निवेश को केवल लाने का केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसको धरातल पर उतारना हो, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कई करी गई और कहीं ना कहीं ये उसका साफ तौर पर नतीजा था कि हमने देखा 2022 में वापस एक बार रिकॉर्ड बनता है और उत्तर प्रदेश में जो है फिर से बीजेपी की सरकार आती है, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं और एक तरफ जहाँ वो आधुनिक चीज़ों पर जोर देते हैं, जहाँ पर वो तकनीक पर जोर देते हैं, वहीं जो कहीं ना कहीं विरासत है उसको भी वो साथ में लेकर चलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो गाय का संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है और गाय की मदद से बहुत से कार्य होते हैं। तो बतौर योगी, बतौर मुख्यमंत्री, हर एक अपनी भूमिका में वो अलग तरीके से नजर आते हैं और बाखूबी उसका निर्वहन करते हैं और यही वजह है कि आप देखें उनकी छवि में भी इजाफा हुआ है, उनकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है और जहाँ जहाँ जाकर उन्हें प्रचार प्रसार करते हैं साफ तौर पर पार्टी को उसका फायदा मिलता है, लोग उन पर एतबार करते हैं, लोग उन पर भरोसा कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह है कि योगी आदित्यनाथ की रात दिन की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस सब यही वजह कि एक तरफ यूपी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग पहल यहां पर यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ गायों के को संरक्षण देने के लिए भी एक नई पहल की यहां पर शुरुआत की, धनराशि यहां पर स्वीकृत हो गई है और जो गौ संरक्षण केंद्र है उनका यहां पर कायाकल्प और उनके हालात जो है सुधारे जाएंगे। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।